भाई लोग क्या हालचाल एंड वेलकम टू माय चैनल। इंडियन सिनेमा से एक मूवी आ रही है ब्लडी डैडी। फाइनली ब्लडी डैडी का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। स्टारिंग शाहिद कपूर, संजय कपूर, रोनित रॉय और दो चार लोग। डायरेक्टेड बाय अली अब्बास जफर, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय जियो सिनेमा। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जो हॉलीवुड लेवल की वाइब देते हुए नजर आ रही है। वहीं इस मूवी का हाइप बहुत तगड़ा है। ये मूवी OTT में फिर क्यों रिलीज हो रही है? ये मूवी तो थिएटर में रिलीज होनी चाहिए, आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन ये मोटा भाई का प्लान है कि ऑडियंस को जियो सिनेमा में कैसे खींचा जाए, उसके बाद पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। ये ट्रेलर खतरनाक लेवल की वाइब देते हुए नजर आती है। वहीं इसका BGM थोड़ा अजीब लगता है। एक्टरों की एक्टर परफॉर्मेंस बवाल लेवल की एक्सपीरियंस देते हुए नजर आ रही है। वहीं इसमें ह्यूमर का चटका भी हमें देखने को मिलेगा जो हमें बोर नहीं होने देगी। और इसका एक्शन इट्स इनक्रेडिबल लेवल ऑफ वाइब, बोले तो जॉन विक वाला फील आता है, गजब। वहीं इस मूवी की स्टोरी कोकेन और ड्रग्स के पीछे घूमने वाली है और गैंग वॉर भी हमें देखने को मिलता है। वहीं सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज शाहिद कपूर की एक्टिंग जो एक पागलपन वाला फील देता है, मतलब बवाल। ये मूवी 9 जून को हमें देखने को मिलेगी सिर्फ जियो सिनेमा में, वो भी फ्री। इस मूवी में इमोशन और थ्रिल दोनों ही मौजूद रहने वाले हैं। ऑल ओवर ट्रेलर बवाल लेवल की एक्सपीरियंस देते हुए नजर आती है, खास करके एक्शन सीन जिसे देख के लगता है इंडियन सिनेमा भाई साहब कितनी बड़ी ढापू चौंध है। मतलब हॉलीवुड के हर एक से एक अच्छा चीज ढाप लिया गया है, लेकिन गाइस ये काफी सही चीज है और हमें एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलेगा ये मूवी देखने के बाद। जब मूवी आएगा तभी पता चलेगा कि भाई साहब क्या होने वाला है और क्या नहीं। होप गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।